जी अब हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोर्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर अभी तक जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उनमें हार्डली एक दो चीज़ें हैं विच यू नीड टू अंडरस्टैंड ठीक है जी थ्रेड्स मैंने आपको बताया था जरूरी है locks, uh, ये टॉपिक इतना ज्यादा जरूरी है कि इवन लॉक्स और सिंक्रोनाइजेशन फेड्स इन कंपैरिजन वो भी अगर नहीं समझ आता तो खैर है लेकिन ये समझ आना चाहिए एंड इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स विच इज इसशल फॉर ऑल दी प्रोग्रामर्स नो मैटर वेयर देर वर्किंग ठीक है जी इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको पता हो एंड दे हैव वेरी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑन द कोड दैट यू राइट ठीक है जी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन आती है आपका कोड जो है वो अच्छे तरीके से काम करेगा आपका कोड तेज़ काम करेगा आपका कोड सिक्योर होगा आपके यूजर जो हैं उनका डाटा सिक्योर होगा यू कैन अंडरस्टैंड कि सिक्योरिटी से क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं ठीक है जी सो इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स में वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में पूरी दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कोर्स जिस तरीके से पढ़ाया जाता है तो सिक्योरिटी के ऊपर फोकस नहीं आता तो लोग सिक्योरिटी का जो है वो यूँ समझते हैं कि इसको अलग से हम जाके पढ़ेंगे ठीक है हमारा जो करिकुलम है जो कि एच का करिकुलम है पाकिस्तान में चल रहा है काफ़ी जगह पे चल रहा है वो पूरी दुनिया में इसके इसी किस्म सिमिलर करिकुलम फॉलो होता है उसके अंदर सिक्योरिटी uh, जो है उसको फोकस नहीं दिया गया आप लोगों का जो बैट uh, सेवेंटीन वाले नहीं जो एटीन वाले चल रहे हैं एटीन और आगे नाइनटीन और इसके बाद जो नया करिकुलम जो आया हुआ है उसके अंदर इंफॉमेशन सिक्योरिटी हैज़ बीन एडेड एज अ कोर कोर्स ठीक है द प्रॉब्लम इज़ कि इफॉमेशन सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों को इतने पता ही नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्वे दैट हम ये चाहते हैं कि इस चैप्टर में ये चैप्टर है और शायद एक अप्लाई एक, एक, एक और चैप्टर भी होगा इसके अंदर हम सिक्योरिटी की वो चीज़ें डिस्कस करें विच आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू यू एज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामर एज अ डेवलपर एज अ कंप्यूटर साइंटिस्ट जो कि आपको समझ आनी जरूरी है इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता ठीक है ये ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा चीज़ें हम आपको बता रहे हैं बीच में इसके बगैर काम चल ही नहीं सकता और इसी वजह से मैंने जो शुरू में आप लोगों को बताया था कि मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप की हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स के अंदर बिकॉज कंपेयर टू द कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर दो आर इरेलीलिवेंट कम्प्लीटली यूजलेस ठीक है इतना बड़ा लफ्ज़ आप उसके ऊपर बोल सकते हैं कंप्लीटली यूजलेस क्योंकि ये अगर नहीं करेंगे आप तो आप उस जगह तक पहुँचेंगे नहीं ठीक है सो इनफ अबाउट दी इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आई होप के थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा तो अब हम इसको बात करना चाह रहे हैं कि सिक्योरिटी है क्या हाउ ड्यू अप्रोच सिक्योरिटी ठीक है अगर आपको कोई यह कहे कि भाई सिक्योरिटी अच्छी चीज़ है आप कहेंगे हाँ जी अच्छी चीज़ है फिर अगर आप सबको पूछे कि भाई सिक्योरिटी का मतलब क्या है तो आप कहेंगे भाई डाटा सेफ होना चाहिए ठीक है तो बड़ी वेग सी बात बंदा कर सकता है नाउ यू वॉन्ट टू कंक्रीटली स्पेसिफाई कि सिक्योरिटी कहते किसको है सिक्योरिटी किस चीज को हम कहेंगे कि ये सिक्योर है कितनी सिक्योर है कैन वी क्वान्टिफाइड इस किस्म की बहुत सारी बातें होती हैं जो कि हम थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करना चाहते हैं और द पॉइंट इज द टेक अवे इमीडिएटली मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे शुरू में कि यू नीड टू कंसिडर दिस एज गुड प्रैक्टिस ऑफ प्रोग्रामिंग नॉट ओनली फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स बट फॉर प्रोग्रामिंग इसमें बहुत सारी चीजें इस तरह की आएंगी मैं दो इवन इस स्लाइड uh, सेट में भी मैं आपको बताता हूँ जो कि मैंने खुद देखा है कि आपकी इंडस्ट्री की जो हैं वो खराब हैं इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो उनको पता नहीं होता कि ये बुनियादी बात है कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इट्स एक्सट्रीमली सिंपल टू एक्सप्लेन इट्स एक्सट्रीमली सिंपल टू अंडरस्टैंड लेकिन कभी उन्होंने सोचा ही नहीं इस बारे में क्योंकि किसी ने बताया नहीं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इस इस uh, को इवन रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम्स कोर्स इसको बड़ी तमाम ता, से और बड़े अच्छे तरीके से इसको समझें so let's start with the with a basic overview of what security is so we cannot define security in general थीके? it's it's extremely difficult so first what we're going to do is we're going to define two types of security per फिर type टाइप को alag अलग अलग, अलग दिल करेंगे ठीक है तो आपके पास जब भी कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होता है किसी और कंप्यूटर के साथ ठीक है तो ये किसा बनाया हुआ यहाँ पे so you have this situation over here और इसके अंदर आपके पास दो सिस्टम्स हैं so you have your pc one and you have your pc two ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो दे कैन कम्युनिकेट ओवर अ वायर दे कैन कम्युनिकेट ओवर वाईफाई ब्लूटूथ वॉट एवर द कम्युनिकेशन चैनल इज ठीक है तो ये डॉट हैं कि द कम्युनिकेशन चैनल इज उस कम्युनिकेशन चैनल की अप, अपनी सिक्योरिटी होगी सो दिस थिंग नीड्स टू बी सिक्योर फिलहाल मैं सिक्योर के ऊपर डबल कोर्स डाल रहा हूँ मतलब अभी हमें नहीं पता लेकिन दिस नीड्स टू बी सिक्योर आपका ये पीसी खुद जो है ये सिक्योर होना चाहिए और ये दूसरा पीसी जिसके साथ हम बात कर रहे हैं इसको भी सिक्योर होना चाहिए क्योंकि मैं उसको डाटा रिलीज कर रहा हूँ तो अगर वो सिक्योर नहीं है तो भी मेरा नुकसान ठीक है जी तो सिक्योरिटी जो है वो आपके पास दो किस्म की मेजर जगह पर आ सकती है एक है आपके पास ये वाला पोर्शन कि जब आपके सिस्टम से चीज निकलती है और दूसरे सिस्टम तक जा रही है रास्ते में लो है। जो सिक्योरिटी है दैट इज योर नेटवर्क की सिक्योरिटी बिकॉज दिस डील्स विद दी नेटवर्क कि आपका जो नेटवर्क है जो कम्युनिकेशन है आपके पास दरमियान में उसको आपने किस तरीके से सिक्योर करना है तो दिस इज अ अंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी नेटवर्क सिक्योरिटी जो है ये ट्रेडिशनली uh, पढ़ाई भी जाती रही है हम लोग इलेक्टिव भी ऑफर करते रहे तो नेटवर्क सिक्योरिटी हैज़ कम्प्लीटली डिफरेंट कंसर्नस ठीक है जी दुनिया ही फर्क है उसके ठीक है नेटवर्क सिक्योरिटी एक टाइप होगी दूसरी टाइप है कि आपके इस पी के अंदर रहते हुए यहां पे आपका डाटा सिक्योर है कि नहीं अगेन सिक्योर की डेफिनेशन अभी हमने नहीं की दिस इज कॉल्ड सिस्टम सिक्योरिटी ठीक है सिस्टम सिक्योरिटी नहीं कहते इसको आमतौर पे सिस्टम सिक्योरिटी बोला जाता है सिस्टम सिक्योरिटी भी बोलते हैं लेकिन आई लाइक सिस्टम सिक्योरिटी ठीक है इसके अंदर भी अब मुख्तफ किस्म की टाइप्स होती हैं हम आमतौर पर जो चीज़ समझते हैं हम क्या समझते हैं सिक्योरिटी जी वायरस नहीं होने चाहिए ठीक है या आम तौर पर यह समझा जाता है ज्यादा से ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि जी लॉग इन वगैरह होना चाहिए हमारे पास जो सिस्टम सिक्योरिटी होती है उसके दो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं वन इज़ ऑथराइजेशन अगेन इसको मैं डबल कोर्स में डाल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको मिस यूज़ कर रहा हूँ लेकिन बहरहाल ऑथराइजेशन किसको क्या काम करने की इजाजत है एक चीज़ होगी दूसरा आपके पास मेलवेयर का स्टफ है ठीक है अगेन मेलवेयर के अंदर बहुत सारी तफसीत होती हैं मेलवेयर को पकड़ना मेलवेयर को सही करना उसको रोकना प्रिवेंट करना बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन ये मेलवेयर जो है एक अलग चीज है तो आपके पास तीन चीज़ों के ऊपर फोकस आमतौर तौर पर सिक्योरिटी के कोर्सेज में होता है ठीक है सबसे ज्यादा फोकस होता है नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग भी जब इलेक्टिव ऑफर करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी सही पूरा सेमेस्टर नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ाते हैं इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स विच इज़ वेरी इजी टू कवर अनलेस यू आर डूइंग रिसर्च इन नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी को कवर करना इट्स वेरी इजी यू कैन एक्सप्लेन नेटवर्क सिक्योरिटी टू एनी बडी लाइक टू और थ्री आवर्स एंड यूर डन खत्म ठीक हो okay. गया दूसरी चीज जिसके ऊपर आमतौर पर फोकस आता है जब लोग रिसर्च वगैरह में आते हैं वो मेलवेयर के ऊपर आते हैं ठीक है जी वायरस लोगों को शौक होता है वायरस कैसे काम करता है कैसे नहीं काम करता है? उसकी बात वो करता है और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कम फोकस है एटलीस्ट इन एक्डीमिया दैट इज ऑथराइजेशन और जो चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जो कि प्रोग्रामर्स को इफेक्ट करती है और जो कि आपके सिस्टम्स को बड़े बड़े लार्ज के सिस्टम्स को इफेक्ट करती है दैट इज ऑथराइजेशन तो जिस चीज के ऊपर सबसे कम फोकस है वही सबसे ज्यादा जरूरी है तो वियर गोइंग टू स्टार्ट विद ऑथराइजेशन और हम ऑथराइजेशन के बारे में मुख्तलि बातें करेंगे ठीक है थी? हम मेलवेयर की बात भी बीच में लेके आएंगे कभी कभी नेटवर्क सिक्योरिटी की बात भी आ जाएगी लेकिन आर होल गोल इज गोइंग टू बी ऑथराइजेशन किस को क्या काम करने की इजाजत है दैट इज गोइंग टू बी आर फोकस इन दिस पोर्शन ठीक है बस सो so, uh, दो अल्फाज आपको नजर आएंगे एक सिक्योरिटी एक प्रोटेक्शन थोड़ा सा इसको हम आप तफसी से बताते हैं कि व्हाट इज सिक्योरिटी इट इज द प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज एक्सेस टू अ सिस्टम ये देखें ऑथराइजेशन इसकी डेफिनेशन में शामिल है तो इट्स दी मोस्ट इंपॉर्टें थिंग मिलिशियस एक्सेस भी हो सकता है कोई बंदा आपका दुश्मन है आपसे डाटा वो चोरी करना चाह रहा है ठीक है तो दैट इज मिलिशियस एक एक्सीडेंटल एक्सेस भी हो सकता है कि एक बेवकूफ था उसको पता नहीं था और उसने आके कोई ऐसा कोड लिख दिया जिसकी वजह से आपका डाटा चोरी हो गया दो किस्म के काम हो सकते हैं एक होता है टारगेटेड अटैक एक मिलीशियस अटैक एक बंदा कह रहा है जान बुझ के आपके डाटा को चोरी करना चाह रहा है दैट इज एक दूसरा होता है बेवकूफी नादान दोस्त भी होता है ठीक है प्रोग्रामर था बेचारे का ख्याल ही नहीं था लेकिन उसने ऐसा सिस्टम लिख दिया जो कि आपके डाटा को ब्रीच करने में हेल्प करता है लोगों को ठीक है यह डाटा खुद ही चोरी हो जाता है उससे ठीक तो ये एक्सीडेंटल एक्सेस जो है ये हर प्रोग्रामर को समझ आनी चाहिए कि भाई मेरे से कोई ऐसी बेवकूफी हो सकती है जिसकी वजह से कल को मेरे क्लाइंट का डाटा चोरी हो जाए ठीक है या हमारा डाटा चोरी हो जाए तो ये दोनों चीज़ें हमें हैंडल करनी पड़ती हैं सिर्फ ऐसी नहीं होती बेवकूफ़ी भी होती है जो कि हम एज अ प्रोग्रामर हमें समझ आनी चाहिए कि क्या बेवकूफ़ी मैं थोड़ी देर बाद एक एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ सो एक्सेस खुद क्या चीज़ हो सकती है यूजर का लॉग इन एनी ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म ठीक है प्रोसेस जो है वो ऐसी चीज़ें एक्सेस कर ले ऐसा डाटा रीड कर ले जो उसको इजाज़त नहीं है फिजिकल एक्सेस अगर आपके पास कोई फिजिकल डिवाइस है उसका एक्सेस करना ठीक है ये चीज़ें हो सकती हैं आपके पास जब आप करते हैं डाटा को एक्सेस तो ऐसा भी हो सकता है कि वो डाटा रीड करने की आपको इजाज़त नहीं दी आपने रीड कर लिया दैट इज़ बैड ठीक है इसको सिक्योरिटी रोकना चाहती है डिस्ट्रक्शन की आपने उसको रीड तो नहीं किया मेरे से रीड तो नहीं होता लेकिन तुम भी तुम्हारे लिए विकल को नहीं है ठीक है दैट इज ऑल्सो बैड हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारा डाटा चोरी तो नहीं हुआ लेकिन किसी ने खराब कर दिया भाई मुझे चाहिए था वो क्यों खराब हो गया ठीक है दैट इज ऑल्सो वेरी बैड मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई बैंक के अंदर कोई रिकॉर्ड पड़े हुए हैं लोगों के पैसों के मैं अगर ये नहीं कर सकता कि मैं अपने अकाउंट में पैसे डाल दूँ लेकिन मैं पूरे बैंक अकाउंट उड़ा देता हूँ सारी के सारा डाटा उनका मैं उड़ा देता हूँ किसी तरीके से तो यू कॉड कॉस्ट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ठीक है लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आप लोगों आप लोगों ने क्रिएट कर दिए जो कि पूरे सिस्टम्स को तबाह करने के उसमें हो सकते हैं ठीक है इस तरीके से आप ये कर सकते हैं कि कर दें उसको आपने रीड नहीं किया तबाह भी नहीं किया लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चेंज कर दी जो कि आपके रीड की बगैर वो चेंज हो गई और आपने उसको जाके आ, कल को उससे फायदा भी उठा लिया ठीक तो है तो मुख्तलिफ़ की चीज़ें सिक्योरिटी इंसारों को प्रीवेंट करने की कोशिश कर दी है ठीक है अब प्रोटेक्शन क्या चीज़ है तो दो चीज़ें होंगी एक सिक्योरिटी एक प्रोटेक्शन तो सिक्योरिटी ये बताती है कि क्या करना है हमने हमने किस चीज से रोकना है किसको रोकना है किस को क्या करने की इजाजत देनी है दीज आर योर पॉलिसीज ठीक है शुरू में हम लोगों ने बात की थी पॉलिसी और मैकेनिज्म की सो दिस इज योर पॉलिसी एंड प्रोटेक्शन इज योर मैकेनिज्म ये काम जो आपने कह दिया ना कि भाई फिलहाल बंदे को इजाजत नहीं देनी है भाई ये किया किस तरीके से जाएगा एनफोर्स कैसे करेंगे आप पॉलिसी को दैट इज योर मैकेनिज्म सो अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म एनफोर्स सिक्योरिटी की पॉलिसीज ठीक है तो सिक्योरिटी पॉलिसी लिखना अपनी जगह पे काम है मिसाल के तौर तो पे अगर आप ये ले लें कि भाई आपका फ्लेक्स का सिस्टम है अगर उसके अंदर ये पॉलिसी हो हर बंदा हर काम कर सकता है तो दैट्स अ बैड पॉलिसी क्योंकि स्टूडेंट्स को इजाजत नहीं होनी चाहिए अपने मार्क्स चेंज करने की ऑब्वियसली शुक्र है फ्लैक्स में ये है वरना तो आमतौर पर फ्लैक्स में बड़े बुरे हालात हैं एनीवे सो प्रोटेक्शन आपको ये बताएगी कि सिक्योरिटी पॉलिसीज को इन्फोर्स किस तरह करना है तो इन्फोर्स करना भी मुश्किल है अपनी जगह पे काम है लेकिन पॉलिसी लिखना खुद भी है बड़ी जगह बड़े अपनी जगह पे मुश्किल काम है तो दोनों को हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी के अंदर आपको थोड़ी सी जो थ्यूरी है बिल्कुल ब्रीफ सी हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि आपके पास एक प्रिंसिपल है विच इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये आपको हर जगह पे जाके बार बार इस्तेमाल करने का दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज ये प्रिंसिपल ये कहता है कि यू शुड बी गिवन एवरी शुड बी गिवन ओनली इतने राइट्स जितनों की वजह से वो अपना काम पूरे का पूरा परफॉर्म कर सके ठीक है यहाँ पे अल्फाज कुछ और लिखे हैं इनको भी पढ़ लेते हैं लेकिन इतनी बात समझें कि ये बंदा है ठीक है इसको आपने कहना है कि भाई ये आपकी राइट्स की लिस्ट है ठीक है इसको आप सिर्फ उतने काम करने की इजाजत दें जितने की वजह से अपना ये इंटेंडेड जॉब फंक्शन परफॉर्म कर सके जो काम आप इससे करवाना चाहते हैं सिर्फ वो काम करने के लिए जितनी चीजों की जरूरत है आप सिर्फ उतने राइट्स इसको देंगे लीस्ट प्रिविलेज जिसके जरिए से ये अपना काम कर सके काम पूरा करने की इजाजत देनी है लेकिन उसके बाद इसको राइट्स नहीं होने चाहिए ठीक है मिसाल के तौर पे फ्लेक्स पर अगेन अगर एग्जांपल ले लें तो टीचर शुड बी अलाउड टू एंटर द अटेंडेंस एंटर द मार्क्स

तो कल को अगर ये कोई बेवकूफी करता है या मलिशियस हो जाता है तो ये सिर्फ इन तीन जगहों पे नुकसान डाल सकता है इससे ज्यादा कहीं पे नहीं कर सकता तो स्कोप ऑफ डैमेज इज लिमिटेड ठीक है ये वैसी भी समझ आती है लेकिन दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लीज प्रज कहता क्या है कि एट ईच एब्रेक्शन लेवल हर एब्सट्रैक्शन के लेवल के ऊपर जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं एवरी एलिमेंट चाहे वो यूजर है कोई प्रोसेस है कोई फंक्शन है हर एक को सिर्फ उतना एक्सेस दिया जाए ओनली एज मच टू द रिसोर्सेज ठीक है जो कि नेसेसरी हो उसके अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो काम उसने करना है उसको करने के लिए जितनी चीजें चाहिए सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे उसको राइट्स दिए जाएं बाकी चीजों के ऊपर इसको राइट्स ना दिए जाएं ठीक है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीज प्रेज ठीक है इसको हम करते क्यों है इससे हम चार किस्म के गोल्स अचीव करना चाहते हैं सिक्योरिटी <coughs> के गोल्स क्या हैं हम सिक्योरिटी से क्या अचीव करना चाहते हैं नंबर एक ऑथेंटिकेशन कौन हो तो ठीक है ऑथेंटिकेशन ये बताती है कि कौन सा यूजर है ठीक है वो क्या करता है नहीं ऑथेंटिकेशन ये बताती है कि कौन हमारे सिस्टम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ठीक है भैया उसने क्या करना है यहां पे बात नहीं है सिक्योरिटी गोल में वो शामिल नहीं है बात को समझें कौन बंदा है उसको आइडेंटिफाई करना यह सिक्योरिटी के गोल्स में शामिल है मिसाल के तौर तो पर अगर मैं लॉग इन करता हूँ तो मुझसे वो यूजर ने पासवर्ड इसलिए मांगता है ताकि उसको पता चले कि मैं हूँ कौन अगर मैं थम प्रिंट करता हूँ तो उसको पता चलता है कि मैं हूँ कौन ठीक एक बार नंबर दो हम अचीव करना चाहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी ये कहती है कि सिर्फ वो बंदा डाटा को एक्सेस करे

उसको कोई गलत बंदा रीड ना कर सके दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी ठीक है और जिसको उसको रीड करने की जरूरत है वो उसको रीड कर सके दैट इज अवेलेबिलिटी तीन चीजें डेटा जैसा है वैसा ही पड़ा रहे कोई उसको खराब ना कर सके इंटेग्रिटी जिसको उसकी जरूरत है वो उसको रीड भी कर सके ऐसा नहीं है कि उसको फिर इजाजत ना मिले ठीक है ऐसा नहीं डब्बे के अंदर बंद कर देंगे फिर कोई भी रीड ना कर सके तो अवेलेबिलिटी भी चाहिए और जिसको इजाजत नहीं है वो ना कर सके दैट इज कॉन्फिडेंशिटी ठीक है तो ये तीन चीजें हमारा मेन मकसद है और इन तीनों के लिए हमें जरूरत पड़ती है ऑथेंटिकेशन की कि भाई किसकी बात कर रहे हैं हम जो भी बंदा आया उसको हमने डाटा देना है नहीं देना कितना देना है ये सारी की सारी ऑथेंटिकेशन फिर आपको पहला स्टेप प्रोवाइड करती है और उसके बाद फिर आप काम कर सकते हैं ठीक है सो दैट इज सिक्योरिटी होल अब इस सारे किस्से में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर आता है उसको हम देखना चाहते हैं आपके पास हमेशा ये होगा अब ये देखें हमने बात की ना हम इसको अचीव करना चाहते हैं हमने कहा लीस्ट प्रिविलेज होगा सिक्योरिटी को हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन अ अन्सेप्ट अनलेस यू हैव छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिनको आप लिंक करके कर सके तो वट वीर गोइंग टू डू इज वीर गोइंग टू डिफाइन टू कॉन्सेप्ट विच आर एसेंशियल इन एनी सिक्योरिटी एनी सिक्योरिटी सिस्टम वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड वन इज ऑब्जेक्ट ठीक है तो जिस तरह इंग्लिश की ग्रामर में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट वो चीज होती है जो कि कोई काम करता है और ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है ठीक है तो सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के तौर पे हम काम करते हैं और जो एक्चुअल काम होता है उस काम को हम कहते हैं कि ये एक्शन है ठीक है और उस काम करने की जो इजाजत होती है उसको हम कहते हैं राइट ठीक है ये हमारे पास यहां पे बेसिक वो है सो यू हैव योर सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट को आप किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे ऑथेंटिकेशन के जरिए तुम हो कौन फिर आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं कि मेरे पास क्या क्या चीजें पड़ी हैं मिसाल के तौर पर फाइल्स हैं फिर आप ये बताएंगे कि भाई इस फाइल को आप रीड कर सकते हैं ठीक है रीड इज एन ऑपरेशन ऑन अ फाइल फिर राइट ये बताता है कि कौन इसको रीड कर सकता है तो राइट आपने किसको दिया तो हम आमतौर पर जो काम करते हैं दैट इज ऑन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट ठीक है जी इनके ऊपर हम काम करते हैं और सिक्योरिटी की पॉलिसी आपको ये बताती है कि, कि किस सब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या राइट right अवेलेबल है पे आपको इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं कि आपके पास प्रोसेसर दिस कैन बी ऑन ऑब्जेक्ट ठीक है मेमरीज ऑन ऑब्जेक्ट पेरिफेरल डिवाइस जो आपने अटैच की हुई हैं वो आपके पास चीजें हैं सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं सो दिस इज ऑब्जेक्ट्स एंड दिस आर सब्जेक्ट्स ठीक है so objects, जी आई पोलोजाइज फॉर द शोर अभी इस टाइम पर मैं उनको जो पढ़ाने जाऊँगा तो कुछ और हालात खराब होंगे बस लेक्चर वैसे भी खत्म हो होगा सो so, <coughs> आपका प्रोसेस स्केजुलर जो है दैट इज़ अ सब्जेक्ट अब आप कहेंगे भाई ये तो कोई वो तो नहीं है कोई बंदा तो नहीं इंसान तो नहीं scheduler तो piece of code है स्केजुलर तो पीस ऑफ कोड है येस बट वैन यू आर डिफाइनिंग राइट्स तो उसमें आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स को भी कहते हैं भाई तुम प्रोसेस स्केजूलर हो वो भी सब्जेक्ट होगा मुख्तलिफ चीज़ें आपके पास वो हो सकती हैं सब्जेक्ट्स uh, हो सकते हैं ठीक है जी ये, uh, so, यहाँ पे अगेन दिस इज नॉट वेरी कंक्रीट लेकिन आगे तफसी देखेंगे आमतौर पे हम यूजर को समझते हैं सब्जेक्ट uh, लेकिन और भी सब्जेक्ट हो सकती हैं ठीक है थे? तमाम का तमाम रिसोर्स एक्सेस जो है दैट गोज थ्रू दटिंग सिस्टम चूर उसी जो हमने बात शुरू की है कि आपके पास एप्लीकेशन है वो बात करती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ थ्रू सिस कॉल और कोई तरीका है ही नहीं दैट इज दी ओनली मेथड ऑफ हैविंग एनी थिंग डन इन अ मशीन

उसके अंदर आप जब कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ठीक है कोई मैसेजिंग की एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको एक पॉपअप देता है ठीक है पॉपअप कहता है कि भाई ये एप्लीकेशन आपका कैमरा एक्सेस करने की कोशिश कर रही है इजाजत दूँ कि ना दूँ जब आप उसको अलाउ कर देते हैं वो जाके एक जगह पर सेव हो जाती है कल को जब एप्लीकेशन कैमरा एक्सेस की सिस्टम कॉल इनिशिएट करती है तो आपकी इस पॉलिसी को रीड किया जाता है भाई यूज़र ने इजाजत दी थी कि नहीं दी थी यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जो लिखी होती है कि किस चीज़ को किस चीज़ की इजाजत है दिस इज योर पॉलिसी अब ये पॉलिसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है बहुत सिंपल भी हो सकती है ठीक है लेकिन इट डिपेंड्स ऑन दी ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करना चाह रहा है ठीक है यहां तक हम इसको रखते हैं आ, मुझे कल ये ख्याल आया कि ये वीडियोस फिर हमें डेढ़ डेढ़ घंटे -डे की मुझे बनाने की जरूरत नहीं आई कैन ब्रेक द डाउन इन टू स्मॉलर पीसेस तो इस वीडियो को मैं यहां तक रख रहा हूँ और इसके बाद फिर हम ये बात शुरू करेंगे कि अब आपके पास ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट राइट आपने बनाए हैं इनके जरिए से सिक्योरिटी पॉलिसी किस शक्ल में दिखाई जा सकती है ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर में इनशाला फिर हम ये बात करते हैं